हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो जैसा कि आप लोगों ने पता ही है, कल मैंने TVS Raider 125 की डिलीवरी ली है। जिसने डिलीवरी वीडियो नहीं देखी तो वो प्लीज़ डिलीवरी वीडियो भी जाके देख लें। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब ऑलरेडी YouTube पे काफ़ी वीडियोस डली हुई हैं कि बाइक में क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को साइड करते हुए एक यूज़र की तरह, जैसे मैंने एक दिन इसको ड्राइव करा और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने किलोमीटर्स मैंने इसको राइड करा कल। तो आप देख पा रहे हैं 45 किलोमीटर मैंने इसको राइड करा और 4 किलोमीटर ये शोरूम पे ही चल गई थी, तो आप लगा लो 41 किलोमीटर टोटल ड्राइव कर लिया। तो इस वीडियो में हम बाइक की स्पेसिफिकेशंस के साथ मैं अपना यूज़र एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मुझे क्या क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी और क्या क्या चीज़ बहुत ही शानदार है बाइक में एक दिन को यूज़ करते हुए। एक दिन ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोटी मोटी चीज़ मुझे पता चल गई, तो उन सब चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको TVS Raider 125 लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको जनरल ओवरलुक दिखा देता हूँ बाइक का। ऐसा कुछ हमें फ्रंट से देखने को मिल जाती है और ये मेरे पास ब्लू कलर है। Raider 125 टोटल 4 कलर्स में आती है, ब्लैक, येलो, रेड एंड अपना ब्लू। तो मेरे पास ब्लू कलर है जो कि काफ़ी स्टनिंग और प्यारा लगता है। तो ऐसा कुछ हमें फ्रंट से मुझे अगर सच्ची बात बताऊं तो डोमिनार की याद दिलाती है। डोमिनार का थोड़ा इससे हैवी फेस आता है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता डोमिनार से है। तो फ्रंट से काफ़ी एग्रेसिव लुक दिया गया है मैं बाइक का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद साइड की बात करें, साइड से भी काफ़ी वेल प्रोपोर्शनेट दी गई है बाइक, ना तो मतलब ज़्यादा बढ़ाई गई ना नीचे की गई, स्पोर्टीनेस बिल्कुल मेंटेन की हुई है। उसके बाद आपको यहाँ एम्बलम देखने को मिल जाता है TVS का, जो कि काफ़ी क्रोम में और काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ में Raider की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये हमारा एग्जॉस्ट है जिसकी आवाज़ काफ़ी डिसेंट है। ये TVS की बैजिंग यहाँ भी हमें देखने को मिल जाती है। और उसके बाद इंजन प्रोटेक्शन गार्ड, जो कि सेम जिस कलर में आप बाइक लोगे उसी कलर में आपको मिलेगा। या आपको TVS इंटेलीगो की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है कंपनी। तो बैक से हमें कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाता है बाइक का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब मिनिमलिस्टिक दिया गया है, ज़्यादा कुछ एग्रेसिव नहीं दिया गया। अगर फ्रंट की तरह एग्रेसिव होता तो और अपीलिंग लगती पीछे से बाइक, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी सही है। मतलब जो भी ओवरलुक देखने को मिलता है हमें पीछे से, तो मैंने आपको ओवरलुक तो दिखा दिया है बाइक का। मेन बात करते हैं कि अब बाइक हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ बाइक के पॉजिटिव और नेगेटिव जो मुझे फील हुए एक दिन में इसको राइड करते हुए। तो जो सबसे अच्छी और पॉजिटिव चीज़ मुझे लगती है इस बाइक की, वो है इसकी हेडलाइट। मतलब हेडलाइट का एक तो आप डिज़ाइन से भी इसकी तारीफ कर सकते हैं, कितनी शानदार हेडलाइट हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद इसमें LED का यूज़ करा गया है, जो मतलब आज के टाइम के साथ हमें अपडेट रखता है। आज भी NS में LED हमें देखने को नहीं मिलती, पता ही नहीं क्यों। तो हेडलाइट का डिज़ाइन भी काफ़ी इसका एग्रेसिव है, ये हमें DRL देखने को मिल जाती हैं। और नाइट विजिबिलिटी वीडियो भी जल्दी बनाएंगे और आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट पॉजिटिव जो मुझे लगता है वो इसकी हेडलाइट का लगता है, जो कि डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छी है और नाइट थ्रो भी इसका काफ़ी अच्छा है। दूसरी जो पॉजिटिव चीज़ है वो है इसकी TFT डिस्प्ले, जो कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अपीलिंग और एट्रैक्टिव है। मतलब इस सेगमेंट में 125cc के सेगमेंट में कोई इतनी अच्छी डिस्प्ले दे रहा है। और जब भी आप इस बाइक को राइड करोगे और इसकी TFT डिस्प्ले की तरफ आप देखते हो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतनी मतलब 125cc सेगमेंट की बाइक राइड कर रहे हो। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई हैवी बाइक आप चला रहे हो। इसमें हमें टाइम भी देखने को मिल जाता है, सारे इंडिकेशन ये बता देता है। इस पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, लेकिन एक और रात में तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, जो देखने में काफ़ी सुंदर और अच्छा लगता है। और 125cc सेगमेंट में और कोई जो इसके कंपटीशन में है, कोई भी ऐसी डिस्प्ले ऑफ़र नहीं करती है। मैं इवन महंगी महंगी बाइकों में भी ये चीज़ ऑफ़र नहीं हो रही, तो काफ़ी अच्छा फीचर है मुझे लगा। थर्ड चीज़ जो बाइक का पॉजिटिव है वो मैं कहना चाहूँगा, पिकअप इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये आप जब आप टेस्ट राइड लेने जाओगे, जब आप ये चीज़ फील कर पाओगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कंपनी हमें दे रही है इको और पावर मोड, तो कई कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि इको और पावर मोड दे देती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस फील नहीं होता। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इको मोड पर राइड करोगे तो आपको ऑब्वियसली पावर डिसेंट मिलेगी। मतलब यूँ नहीं यार बहुत कम मिल रही है, गाड़ी पिकअप नहीं उठा रही, काफ़ी अच्छा पिकअप उठाती है उसमें भी। लेकिन जैसे ही आप पावर पे स्विच कर देते हो,
पावर का इंडिकेशन हमें यहाँ भी देखने को मिल जाता है जैसे ही आप पावर पे लगा दोगे गाड़ी। तो पावर मोड पे आते ही बाइक और भी अच्छी तरीके से भगने लग जाती है, मतलब जो कंपनी ने मोड दिए हैं वो इजीली विजिबल होते हैं, नाम के नहीं दिए। कई कई कंपनी दे देती है नाम के, कुछ डिफरेंस ही महसूस नहीं होता, लेकिन इसके जो इको और पावर मोड हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं और डिफरेंस भी फील होता है। जैसे ही हम इको लगाएंगे तो डिस्प्ले में भी यहाँ इको आ जाएगा, और हम यहाँ पावर कर देंगे तो इसमें भी यहाँ पावर आ जाएगा। तो मैं तो इको पे ही राइड करता हूँ क्योंकि इको पे माइलेज भी हमें अच्छी मिलती है, और एक और फीचर हमें इसमें रेंज भी देखने को मिल जाती है जो कि गाड़ियों में देखने को मिलती है, तो अगेन वो भी काफ़ी अच्छा फीचर है। फोर्थ जो पॉजिटिव लगा मुझे बाइक में वो है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम। अब गाड़ी जितना भागती है रुकनी भी तो चाहिए वरना एक्सीडेंट ही हो जाएगा, तो कंपनी हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, उसके बाद पीछे हमें देखने को मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक विदाउट ABS। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो चीज़ मुझे फील हुई जब मैंने इसकी टेस्ट राइड ली थी, तो 30 से 40 की स्पीड पे मैंने ब्रेक मारे थे फुल खींच के, तो उसके बाद जो पीछे के ब्रेक है मैं आगे का यूज़ नहीं करता और ना मैंने टेस्ट राइड लेते वक्त करे थे, तो ऐसे मतलब पीछे का टायर स्किड ही नहीं हुआ और मुझे महसूस हुआ कि इसमें सिंगल चैनल ABS दे रखा है क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और मैंने अपनी बाइक के साथ भी ये ट्राई करा है, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो ड्रम ब्रेक है वो एकदम सिंगल चैनल ABS की तरह काम करते हैं, टायर आपका स्किड नहीं मारता काफ़ी हद तक और वहीं जाम हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऐसी कुछ इसमें हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, तो ये चीज़ आप भी ट्राई करना जब आप टेस्ट राइड लेने जाओ, खींच के ब्रेक मारना, स्किड नहीं मारते टायर, वहीं जाम हो जाते हैं, तो ABS जैसी वर्किंग है इनकी जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ब्रेकिंग भी बाइक की बहुत ही एक्सीलेंट है। तो अब जो अगला पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ भी कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, तो उसकी नेगेटिव में बात करेंगे, मैं पॉजिटिव साइड उस चीज़ का बता देता हूँ। अब जैसा कि आपको पता होगा कि BS6 टेक्नोलॉजी में हमें ये सेल्फ स्टार्ट देखने को मिल जाता है और इसमें कोई किल स्विच नहीं है, तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, मतलब सेल्फ स्टार्ट में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, आप इसको जैसे गाड़ियों में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आते हैं ना वैसे ही मान सकते हैं। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। तो अगर बाइक न्यूट्रल पे है तो हमें कोई भी क्लिच दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें एक पुश करना होता है और बाइक हमारी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं बिल्कुल कोई क्लिच नहीं दबाऊंगा। तो मैंने सिंगल बार एक बार बटन दबा दिया और अपनी बाइक बिल्कुल स्टार्ट हो गई, जबकि आपने देखा होगा जो सेल्फ स्टार्ट सिस्टम होता है उसमें हमें क्लिच भी दबाना पड़ता है और किच 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 भी करती है बाइक, जो कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है सेल्फ स्टार्ट में और काफ़ी बढ़िया भी लगती है। एक बार और करके दिखा देता हूँ मैं आपको, सिंपली हमें बस ऑन करना है और क्लिक कर देना है और बाइक हमारी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप ये बाइक लेने वाले हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें, आप इस बटन को ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रखें, सिंपली एक बार हमें पुश करना है और बाइक इजीली हमारी स्टार्ट हो जाती है। ये तो मैंने बात कर ली बाइक की पॉजिटिव्स की, अब भाई जो चीज़ में अच्छाई है उसमें बुराई तो 100% होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे सही नहीं लगी वो है इंजन किल स्विच। तो इंजन किल स्विच तो देना चाहिए था, हर टाइम जब भी मुझे बाइक ऑफ करनी होती है तो सिंपल मुझे चाबी से घुमाना पड़ता है, लेकिन अब कोई बात नहीं, उतने कंपनी ने मोड्स भी दिए हैं तो ये चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती है। सेकेंड जो इसका नेगेटिव है वो है हमें इसमें किक नहीं मिलती, जैसा कि आपको पता होगा 125cc की ये मोटरसाइकिल है, उसके बाद भी हमें इसमें किक दी गई। अब जैसा कंपनी ने बताया कि उसने काफ़ी एडवांस कर दिया है टेक्नोलॉजी और मैंने भी आपको दिखा दिया, तो अब ये देखते हैं लॉन्ग टर्म में कितनी चीज़ साथ देती है। अब सर्दी का टाइम में तो दिक्कत आती है, तो मैं जब भी ये वीडियो बना दूंगा कि सर्दी में आसानी से स्टार्ट हो जाती है नहीं, तो एक किक नहीं दी, वो भी एक डाउन साइड है स्पोर्टीनेस को मेंटेन करने के लिए। तो अगर ये किक दे देते तो सहूलियत तो हो जाती, लेकिन अब कोई बात नहीं, देखते हैं, जो इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कभी फेल होती है या फिर हमेशा सही रहती है। तो दूसरा नेगेटिव ये है कि हमें बाइक में किक देखने को नहीं मिलती। तीसरा जो मुझे नेगेटिव लगा बाइक का वो है इसकी क्लिच। क्लिच इसकी काफ़ी हार्ड साइड पर दी गई है। अब कल मैं इसको बाजार में लेकर गया था तो मेरा हल्का सा हाथ दर्द करने लग गया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैं या तो गाड़ी चलाता हूँ या स्कूटी, ज़्यादातर गाड़ी चलाता हूँ, स्कूटी चला लेता हूँ, लेकिन बाइक नहीं थी, तो बाइक की आप कह सकते हैं आदत नहीं है कैसे, लेकिन फिर भी मुझे इसका क्लच हार्ड लगता है। ये चीज़ आप भी महसूस करोगे अगर आपने NS की टेस्ट राइड ली हुई है, तो उसका काफ़ी सॉफ्ट है और इसका हार्ड है, तो ये थोड़ा और सॉफ्ट साइड पे हो जाता तो राइडर के लिए आसानी हो जाती। तो इसमें हाथ की उंगलियां दर्द करने लग जाती हैं क्योंकि हार्ड तो क्लच है इसका, ये तो मानना पड़ेगा। आप भी जब टेस्ट राइड करने जाएं तो आपको भी ये चीज़ महसूस हो जाएगी कि क्लच काफ़ी हार्ड है, जो कि सॉफ्ट करा जा सकता था। तो एक नेगेटिव और है जो कि है इसका हॉर्न। हॉर्न इसका मतलब बहुत ही कमज़ोर है, स्कूटी पैप जैसा लगा के दे दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका हॉर्न,
तो इसका हॉर्न इतना बकवास है ना, मतलब बाइक के हिसाब से तो देते, कोई इसको सुन भी नहीं पाता। तो हॉर्न भी इसका अपग्रेड कराने चलेंगे, उसकी भी वीडियो बना देंगे। तो ये एक और नेगेटिव मुझे लगा, जो कि इसका हॉर्न काफ़ी कमज़ोर दिया है। हो सकता है इसीलिए इतना कमज़ोर दिया गया हो ताकि बैटरी कम कंज्यूम करे, लेकिन मैं तो फिर भी इसका हॉर्न अपग्रेड कराऊंगा और उसकी भी वीडियो बना देंगे अपन। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि आपको TVS रेडर 125 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, कल मैं इसको मार्केट में लेकर गया था एक दुकान पे, तो मतलब इतनी भीड़ लग गई ना देखने के लिए, अरे यार कौन सी बाइक है ये, कितनी शानदार लग रही है भाई, ये कौन सी बाइक है। और किसी को बिलीव ही नहीं हुआ कि ये 125 सीसी की बाइक है। एक तो ये न्यू लॉन्चिंग है तो ज़्यादा लोग इसको जानते नहीं है, तो वाहवाही तो आपको देखने को मिलेगी और रोड प्रेजेंस भी अच्छी खासी मिलती है, लोग मुड़ मुड़ के इस बाइक को ज़रूर नोटिस करते हैं। तो अब मैं बताऊँ कि आपको बाइक लेनी चाहिए नहीं, ज़रूर से आपको लेनी चाहिए TVS रेडर 125। शोरूम पे जाके आप इसकी टेस्ट राइड लीजिए। अब देखो कंपनी तो क्लेम कर रही है माइलेज 65-67 के करीब, लेकिन अपन माइलेज टेस्ट भी जल्द करेंगे इसका 1 लीटर के साथ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाइक अच्छी है 125 सीसी के हिसाब से, जो इसके लुक्स हैं, जो इसमें फीचर्स दिए जा रहे हैं, वो कॉम्पिटिशन कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ में चलती है, चलाने में बहुत अच्छी है बाइक, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, लुक्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप TVS के शोरूम जाएँ, इसकी टेस्ट राइड लें। अगर आपके दिमाग में बैठती है, समझ में आती है, तो ज़रूर से बाइक को लें। और आप लुक्स तो देख ही पा रहे हैं कितने ख़तरनाक देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसी कुछ वीडियो थी, अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।